एमपीएल का 5वां लीग मैच सितारगंज वर्सेस बिछुआ के बीच होने जा रहा है और ये टॉस हो रहा है। देखते हैं कौन टॉस जीतेगा। और इसी के साथ सितारगंज ने टॉस जीत लिया है, पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया है। अब देखते हैं मैच। तीन ओवर का सर्किल है, उसके बाद फील्ड से पहले जाएगी। पांच खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे। विनोद अगर छक्के मारते हैं, हर छक्के में 200 रुपए का नगद पुरस्कार राजधा की तरफ से। सुनील हल्के हल्के से दौड़ते हुए सामना करेंगे विनोद। सुनील की गेंद का सुनील सामना करेंगे विनोद। साइन गेंद वाइड गेंद बेकार लाइन काफी बाहर वाइड बॉल का सारा पैरने की द्वारा इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 2 रन बिना कोई नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर काफी रोमांचक मैच। सुनील अगले लेकर मुझे दौड़ते हुए सामना करेंगे विनोद। काफी अच्छी गेंद समझ नहीं पाए विनोद। यहाँ पर ग्राउंड खरगोश दौड़ते हुए काफी सुंदर नजारा। ग्रीन पार्क मेला घाट आगे जगड़ा नदी नेपाल और भारत के बीच में बसा ग्राउंड। सामना करेंगे विनोद। सुनील की गेंद का खेल दिया ग्रीन दबाव में। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं सारे से कंचुरा इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 3 रन बिना कोई नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर काफी अच्छी गेंदबाजी सुनील की। यहाँ पर एक बार फिर दीपक लेफ्ट हैंड बैट्समैन सामना करके सुनील की गेंद का। अगर यहाँ पर सुनील लगातार दीपक अगर 3 छक्के मारते हैं तो राजदा की तरफ से 101 का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। 201 का यहाँ पर 201 का सप्रे बैट के रूप में दी जाएगी राजदा की तरफ से। अगर 3 छक्के लगातार मारते हैं दीपक तो। और ये दिशा इन गेंद फिर से वाइट। इसी वाइट के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 4 रन बिना कोई नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर यहाँ पर दीपक पर छक्के पे दीपक के 200 रुपए तय कर दिए। यहाँ पर राजधा ने हर छक्के पे 200 रुपए 3 छक्के लगातार मारने पे 2000 चाहते खतरा हो सकता है मगर नहीं। वापस भेजा दीपक ने कोई रन नहीं। अभी रुका स्कोर 4 रन बिना कोई नुकसान के। पहला ओवर प्रगति पर मैं आपको बता दूं 3 ओवर का पावर प्ले है। काफी रोमांचक मैच दोनों टीमों के बीच में। आज के मुख्य अतिथि बबलू कुमार मैच का आनंद लेते हुए। जब तक फील्डर फील्ड करते 1 रन हासिल चुरा इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 5 रन बिना कोई नुकसान के। पहला ओवर प्रगति उसके लिए नया अंपायर संतोष नेगी दलजीत कुमार 21 जर्सी पहने हुए नए अंपायर सुनील सामना करेंगे विनोद। अगर विनोद छक्का मारते हैं 201 रुपए का नगद पुरस्कार राजधा की तरफ से। इस गेंद में अगर विनोद छक्का मारते हैं अनुज हल्के लेकर दौड़ते हुए सामना करेंगे दीपक लेफ्ट हैंड बैट्समैन। अनुज की गेंद का दूसरा ओवर प्रगति पर खेल दिया है। यहाँ पर गेंद सीमा लेकर पहुंचे। जी हाँ पहला चक्कर निकलता है दीपक कुमार से। यहाँ से खराब
दीपक बोला शाबाश अच्छा सम्मान करवा सकता है मगर मना किया विनोद ने काफी सुझबूझ से खेल रहे दीपक अभी रुका स्कोर 13 रन दूसरा प्रगति पर काफी लंबा एट मारा था लेकिन की दिशा में 6 रन दीपक ने गगन चुंबी छक्का अनुज सामना करेंगे दीपक अनुज की गेंद का काफी तेज जब तक फील्डर पहुंचते गेंद सीमा का था काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर निश्चित ही दौरान बचा है यहाँ पर दौरान आसानी से पूरी की दीपक ने सीधो के साथ टीम को जहां पर 15 रन है दूसरा प्रगति पर काफी अच्छी फील्डिंग वहां पर टर्नमेंट के फील्डर के द्वारा इसी दौरान बचा है टीम के अनुज एक बार फिर सामना करेंगे दीपक खतरा हो सकता है और यहाँ पर के साथ बैट बॉल के साथ टीम का बढ़ता स्कोर 16 रन टीम नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर 16 रन अनुज बार फिर सामना करेंगे दीपक चाहते थे फिर से डिजाइन गेंद बेकार गेंद बैट बॉल का सारा पर नेगी द्वारा सिक्स साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 17 रन एक नुकसान पे दूसरा ओवर प्रगति पर बाकी सुरक्षित पहुंच चुके हैं दीपक अपने स्थान पर काफी अच्छी फील्डिंग यहां पर फील्डर की हेलो जी सामना करेंगे दीपक फील्डर के ऊपर से आउटपुट काफी तेज जब तक फील्डर पहुंचते 4 रन आसानी से इसी 4 के साथ इसका स्कोर 4 पर 4 टीम के लिए तीसरा और मैं बता दूं पावर प्ले का लास्ट ओवर है उसके बाद फील्डिंग खिलाड़ी जाएगी 5 फील्डर सर्किल के बाहर रहेंगे बाकी अंदर 5 फील्डर सर्किल के बाहर बाकी अंदर सुनील अपने कोटे का दूसरा टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए सामना करें किशोर का भी विस्फोटक बल्लेबाज किशोर दौड़ते हुए सामना करेंगे दीपक सामना करें किशोर सुनील की गेंद का अच्छा बॉल अच्छा सम्मान वहां पर कोई रन नहीं काफी अच्छी गेंदबाजी यहां पर सुनील की काफी अच्छी बॉल अच्छा सम्मान यहां पर किशोर द्वारा कोई रन नहीं अभी रुका स्कोर 21 रन है तीसरा ओवर प्रगति पर देखते हैं पावर प्ले का कितना फायदा उठाते हैं विशाल सामना करेंगे सुनील की गेंद का पिछले बार के मैन ऑफ द सीरीज रहे थे विशाल इस ग्राउंड में काफी बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर सुनील की कोई रन नहीं अभी काफी सामना करेंगे विशाल कैच देखने को मिला फील्डर द्वारा छक्के और किस में तबीर करा और 30 साल के लिए तो यहाँ पर पिछले का विशाल के रूप में बहुत ही घातक गेंदबाजी पर सुनील की तीसरा ओवर प्रगति पर बिछवा गए और ये
छक्का, जी हाँ, काफी लंबा छक्का बंदी के बल्ले से निकलता है जान से काटा बड़ा बंदी ने इसी छक्के के साथ एक बार स्कोर जहां पहुंचा 27 रन इसी के साथ ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति पे टीम पर अंपायर से निवेदन एक बार चेक कर ले पांच खिलाड़ी सर्किल से बाहर बाकी सर्किल के अंदर अनुज अर्गल के दौड़ते हुए सामना करेंगे दीपक खेलना चाहते थे वहां पर अच्छी फील्डिंग वहां पर फील्डर द्वारा कोई रन नहीं अभी रुका स्कोर 27 रन 14 ओवर पर गति पर 3 विकेट गिर चुके हैं पर पिछवा के जब तक फील्डर फील्ड करता चार रन दीपक के बल्ले से निकलता हुआ इसी चार के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे 31 दीपक सामग्री मुझ की गेंद का इसी के फिर से गेंद हवा में फिर आठ फील्ड का फिर तेज और फिर से चार रन दूसरी बॉडी लगाता है दीपक के बल्ले से इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचे 35 रन सामग्री दीपक अच्छा प्लेट फील्डर सामना करेंगे और खेल दिया यहाँ पर छह रन काफी लंबा छक्का यहाँ पर जब तक फील्डर करते एक रन से जुड़ा इस एक के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 43-43 रन खेल दिया गेंद ये मारे के बाद छह रन इसी छह के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 93-53 रन इसी के साथ यहां पर 49 रन सॉरी एक रन पीछे 50 में यहाँ पर पिछवा काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मन्नी काफी बेकार गेंद यहाँ पर उसका भरपूर फायदा उठाया अखिलेश की मन्नी बहुत ही और दिशा इन गेंद वाइट गेंद इसी बैट के साथ एक बार स्कोर जंप जंप 50 रन यहाँ पे दूर से चल के यूपी से चल के और वेट वे मानना चाहते थे समझ नहीं पाए मन्नी अखिलेश की गेंद को और जाने दिया कीपर के दस्तानों में मैं बता रहा हूँ यूपी से हमारे बीच उत्तराखंड में अच्छा संत के दौरान भी पहुंचे हैं बॉर्डर को पार करके प्रमोद यादव उनका हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं मन्नी खेल फिर से को छक्का इसी छे के साथ टीम का स्कोर सारी बॉल बॉडी पार जाती हुई अंपायर से निवेदन है कि कीपर के हाथ को ध्यान से चेक करें फिर से खराब गेंद एक और छक्का तीन बार पे लगातार तीन छक्के मार चुके हैं यहाँ पर मन्नी यहाँ पर राजू राजू की तरफ से मन्नी छह छक्के मारते हैं तो 51 रुपए का पिटिया राजू दा की तरफ से मिलेगा और ये दिशा इन गेंद वाइट गेंद इसी वाइट के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 57 रन है 63 रन अगले एक बार फिर सामना करें मन्नी खेल दे गेंद हवा में सीधे बॉडी लाइन इसी तरीके से
से कीपिंग से काफी विस्फोटक बल्लेबाज का कैच हुआ यहाँ पर। प्रशांत एक बार फिर सामना करेंगे मन्नी, गेंदबाज फील्डर बॉल के नीचे मन्नी का भी गेंद गिरता हुआ खेल दिया है और यहाँ पर मिसफील्ड, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद प्रशांत की, दो गेंद दो डाल चुके हैं अभी। लुकास पर 72 रन और प्रगति पर राजू से बीट हुए लगातार चौथी डॉट, काफी अच्छी गेंदबाजी प्रशांत की, अच्छी वापसी कराई प्रशांत या टीम को, गोटा की टीम को। खेल दिया गेंद में सीमा रेखा पर, छह रन जेल से खाता खोला पर राजू ने। इसी के साथ ही बस को जाप पकड़ लेता है, खराब खेल से भरपूर फायदा उठाया पर राजू ने। 78 रन, छह रन से खाता खोला पर राजू ने। खेल दिया फिर से फील्डर का खतरा हो सकता है मगर पहुंच गए। इसी के साथ छह ओवर परवीन की गेंद का, सात ओवर प्रगति पर, चार विकेट गिर चुके हैं पिछवा के 79 रन के स्कोर पे। और एक खेल दिया छह रन, काफी लंबा शॉट चुके हैं यहाँ पर। खेल दिया है, बच्चे बाहर आ जाओ बच्चे। यहाँ पर बड़े भाई राजेंद्र पुखरिया काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। राजेंद्र पुखरिया राजू नाम से फेमस है, काफी नाम है, बहुत बड़ा नाम है इनका पूरे डिस्ट्रिक्ट में, जिले में। गेंद सीमा राजेंद्र पुखरिया काफी महंगे साबित होते हुए यहाँ पर। प्रवीण फिर से खेल दिया है, जब तक बिल्डर फील्ड करते हैं एक रन चुराई किसान टीम स्कोर जा पहुंचा 96 रन, चार नुकसान पे, सात ओवर प्रगति पर। दीपू दीपक ओपनिंग के रूप में भी अच्छे डटे हुए हैं, अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सामना करके प्रवीण की गेंद का दीपक, वहां पर खतरा हो सकता है और पहुंच चुके थे वहां राजेंद्र राजदा। काफी अच्छी गेंद यहाँ पर प्रवीण की, खेला चाहते दीपक समझ नहीं पाए। यहाँ पर फिर से सामना करेंगे दीपक, प्रशांत की गेंद का गेंद सीमा रेखा पार, चार रन, सौ रन पूरे पिछड़ा के, काफी बेकार गेंद यहाँ पर प्रशांत की। काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं राजेंद्र पुखरिया राजदा उर्फ राजू। प्रशांत सामना करेंगे राजू, अच्छा सवाल यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर, नहीं लगा पहुंच गए, अगर शायद ये बॉल स्टंप पे रखती तो आउट हो सकते थे। इसी के साथ टीम स्कोर जा पहुंचा 101 रन, 8 ओवर प्रगति पर, काफी चार रन यहाँ पर।
ये बार फिर से अंपायर दीपक शामनगर के प्रसाद की गेंद का और गेंद काफी अच्छी बिल्डिंग वहां पर निश्चित ही 3 रन बचाए इसी एक के साथ टीम स्कोर जा पहुंचे 102 रन 8 ओवर प्रगति पर 4 विकेट स्थान पे काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे दोनों ही बैट्समैन एक बार फिर से राजेंद्र पोखरिया राजू राजदा सामना करेंगे प्रसाद की गेंद का प्रसाद काफी लंबा रन अप बीच में ब्रेक लेते हैं फिर बॉल फेंकते हैं सामना करेंगे राजेंद्र डिजाइन गेंद वाइट गेंद नगर के राजेंद्र पोखरिया राजदा प्रसाद की गेंद का और गेंद सीमा रेखा पार छोड़ी भरपूर फायदा उठाया इसके साथ छह फिर से प्रसाद सामना करेंगे राजदा प्रसाद की गेंद का और अच्छी गेंद जब तक फील्डर पहुंचता साई सेगमेंट चौराई से एक के साथ एक बार स्कोर जा पहुंचा 110 रन 4 विकेट नुकसान पे 8 ओवर पर गति पर काफी चंपाइन करते सोनू यहाँ पर प्रसाद की गेंद का अच्छा शॉट जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन से चौराई से एक के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 111 रन इसी के साथ ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति यहाँ पर अच्छी गेंद समझ नहीं पाए दीपक सुली गेंद को काफी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं सुनील अभी तक के सफल बॉलर 2 सफलता जीत कर चुके हैं रन भी कम खर्च किए हैं अखिलेश सबसे महंगे बॉलर साबित हुए सुनील सामना करेगा दीपक सुनील की गेंद का खेल दिया है मिस फील्ड आउटफील्ड काफी तेज 4 रन इसी के साथ टीम स्कोर जा पहुंचा 115 रन 9 ओवर प्रगति पर खेल दिया है काफी अच्छी फील्डिंग 1 रन इसी के साथ टीम स्कोर जा पहुंचा 16 रन अभी तक के सबसे अच्छे फील्डर स्टेट में लगे हैं काफी छक्के कार्नर कमाल कैच किया था काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं एक बार फिर से राजदा सामना करेंगे स्पिनर की गेंद हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि बबलू किराना स्टोर के मालिक बबलू कुमार इस मैच के मुख्य अतिथि सामना करेंगे स्पिनर की गेंद का गेंद हवा में और सीधे बाउंड्री लाइन पर 6 रन कैच छोड़ा यहाँ पर कैच ड्रॉप कैच छोड़ा मैच छोड़ो की स्थिति जी हाँ ऐसे समय पे कैच से कटे में नमक लगाने के बराबर सुनील की गेंद का सामना करेंगे खेल दिया गेंद और फील्डर बॉल के नीचे और के आउट काफी अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं वही फील्डर सारे की धोनी के नाम खेलना चाहते थे वेट हुए बॉल लगी बॉल जा लगी बॉडी पे कोई रन नहीं काफी चिकित भाई सूर्य किसी के साथ ओवर की समाप्ति ना करेंगे दीपक जगह की गेंद का सामना करेंगे जेपी गेंद का खेल दिया अब नन्नी ने सीधे 6 रन से खाता खोला अब नन्नी ने इसी 6 के साथ बस जा पहुंचे 28 रन ओए ओका सब जान कर 128 रन 6 विकेट नुकसान पे नन्नी छक्के से खाता खोला सामना करने के जेपी गेंद का नन्नी इससे खेल दिया गेंद हवा में सीमा रेखा पार पंकज के हाथों में 6 रन
कोई खतरा नहीं, इसी के साथ रन सेंचुरी, इसी के साथ बस पहुंचा 135 रन है। 10 ओवर पर लेफ्ट बैट्समैन अमित खेल दिया है, जब तक फील्डर फील्ड करते रहा सेंचुरी, इसी के साथ बस पहुंचा 136 रन है। 10 ओवर पर गति पर नन्नी ओवर फिर सामना करेंगे जेपी गेंद का, जेपी की सफलता जीत कर चुके हैं। गेंद में फील्डर बॉल के नीचे दूसरी सफलता जीत करते हुए प्रसाद सामना करेंगे अमित, खेल देंगे दवा में फील्डर बॉल के नीचे, पर कोई खतरा नहीं, खतरा हो सकता है पर वापस भेजा यहाँ पर किसान ने, इसी के साथ टीम को जा पहुंचा 36 रन 136 रन 137 रन। प्रसाद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, सामना करेंगे किसान 11 ओवर प्रगति पर, दिशा है काफी अच्छी गेंद, समझ नहीं पाया किशन प्रसाद की गेंद को, जाने दिया कीपर के दस्तानों में, अभी भी रुका स्कोर 137 रन है। 11 ओवर प्रगति पर खेला जा रहा है, बेकार फील्ड में स्पीड सीधे पांच रन मिलेंगे, चार रन फाइव ओवर लेग के जा पहुंचा, खेल दिया है फील्डर, जब तक फील्ड कर देख रहा है एक के साथ बस पहुंचा 143 रन 11 ओवर प्रगति पर। अब सामने करेंगे अमित प्रशांत की गेंद का, प्रशांत सामना करेंगे अमित प्रशांत की गेंद का, लेफ्ट बैट्समैन और ये समझ नहीं पाया फिर गेंद को, अभी रुका स्कोर 142 रन है, 143 रन है। प्रशांत एक बार फिर सामना करेंगे अमित प्रशांत की गेंद का, खेल दिया गेंद सीमा रेखा पार, सीधे छह रन का भी गगनचुंबी छक्का, इसी छह के साथ ही स्कोर पहुंच चुका 150 रन। प्रशांत सामना करेंगे अमित प्रशांत की गेंद का, और ये आउट, विकेट गिरता हुआ यहाँ पर पिछवाड़ा प्रवीण सामना करेंगे किसान, खेल दिया और ये सीधे छह रन इसी छह के साथ पहुंचे 155 रन। किशन का स्थान संभालने पहुंचे अमित, अमित चंद किशन का स्थान संभालने पहुंचे 155 रन पे नवा विकेट गिरा, अंतिम जोड़ी मैदान पे अंतिम ओवर, कितने रन और पटोर पाते हैं देखते हैं अमित अपनी टीम के लिए।
पिच जी, गेंदबाजी यहाँ पर प्रवीण की, उतनी अच्छी फील्डिंग फील्डर की सारे किसी ने फील्डर ने किए हैं। कहना चाहते थे वेट हुई, कोई रन नहीं। अभी रुका स्कोर 55 रन, 155 और यहाँ पर थरवा का एक रन मिला, इसके साथ 156 रन टीम का बढ़ता स्कोर। एक्स्ट्रा के रूप में एक रन मिला, बेकार दौड़ यहाँ पर कीपर का। अब यहाँ पर राहुल शामनगर के प्रवीण की गेंद का, लंबे चौड़े खिलाड़ी राहुल, खेलना चाहते थे जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी से रन चुरा। ऐसी किस्सा टीम का स्कोर क्या पहुंचे 157 रन। बार बार अंतिम ओवर मैदान, अंतिम ओवर एक बार फिर अमित चंद सामना करेंगे प्रवीण की गेंद का, दिशाहीन गेंद बाहर, इसी बार के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 157 रन 58 रन। शामनगर के अमित प्रवीण की गेंद का, खेलते हैं अच्छी फील्डिंग वहां पर, एक रन आसन चुरे से एक के साथ टीम को जा पहुंचे 159 रन। दूसरे की कॉल मना किया है यहाँ पर, लास्ट बॉल फेंकी जानी है, देखते इसे लास्ट गेंद पे प्रवीण की गेंद पे और एक क्लीन बॉल। अभी तक देखने को मिली हमें सितारगंज की टीम से पहली गेंद, बीट किया, कोई रन नहीं, बैट्समैन ने प्रमोद एक मिनट बैट्समैन कृपा कर ले सोनू प्रवीण और स्ट्राइक में, और स्ट्राइक में अनुज और फिर से बीट किया बॉलर ने, अच्छी गेंदबाजी कही जाएगी। अमित अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए पहला ओवर लेकर आए। प्रमोद यादव लेग अंपायर के रूप में आज पहला दिन, अमित की अगली गेंद खेलना चाहते थे ऑफ साइड के क्षेत्र में, एक रन लेने में कामयाब। अगर पहला सेशन सितारगंज के साइड होता है तो निश्चित ही बहुत क्लोज कांटे की टक्कर देखने को हमें मिल सकता है। अमित की अगली गेंद हल्के हल्के कदमों से, खेलना चाहते थे बाउंड्री लाइन पार लेकिन बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं, बॉलर की बॉल और कीपर के दस्ताने। अभी तक अच्छी लाइन ऑफ लेंथ के साथ, अच्छी सोच के साथ उतरी है बिछुआ की टीम, अच्छी बॉलिंग कही जाएगी अभी तक। जी हाँ, जिसके लिए जाने जाते हैं पहला छक्का सितारगंज, काफी लंबा है लीग। अमित सामना करेंगे अनुज, सामना करेंगे प्रवीण किशन की गेंद का, खेलना चाहते थे आगे बढ़कर वेट हुए कैपिच कीपिंग यहाँ पर राजदा द्वारा, समझ नहीं पाए गेंद को और जाने दिया कीपर के दस्तानों में, कहा पिच गेंद किशन की। अभी तक अच्छी बॉलिंग के साथ मैच चलता हुआ ये बिछुआ के साइड से अभी तक पूरी पकड़ बना हुए, हालांकि एक कैच जरूर ड्रॉप हुआ है, थोड़े से खुश होंगे राजदा। एक मिनट अंपायर क्या है ये बोल का डिसीजन, नो बॉल, जी हाँ नो बॉल, फ्री हिट हो सकती है, कितना फायदा ये फ्री हिट, कितना फायदा उठाते प्रवीण फ्री हिट का, इसका टीम उसको जा पहुंचा 8 रन। जी हाँ, जिसके लिए जाने जाते हैं
अंपायर गेंद दिए गेंद को आगे बढ़ाके फील्डर बॉल के नीचे मगर फ्री हिट है एक रन सिर्फ चला इसे किस साथ बस बचा पूरा रन क्रिकेट मुझे दौड़ते हुए सामने करेंगे अनुजी गेंद दिए गेंद सीमा का पार करके चुंबी छक्का इसी छह के साथ टीम का स्कोर चार पर चार बहुत ही लंबे लंबे हिट मारते हैं किशन हरगिल विद्युत को दूर से दौड़ते हुए सामने करेंगे अनुज किशन की गेंद का दूसरा प्रगति पर 15 रन हो चुके हैं यहाँ पर हरगिल के कदमों से खेलना चाहते थे वेट हुए कोई रन नहीं का पिछली गेंद गेंद जा लगी पाव पे एयरपोर्ट विकेट पे मगर नकारा पैर ने पहला फेस अगर है सितारगंज अपने पक्ष में कर पाते हैं तो निश्चित ही हमें एक बहुत ही तगड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है मैं आपको बता दूं जल्दी जी इसके बाद प्रशांत आने बाकी है प्रशांत बहुत विस्फोटक बल्लेबाज है जी हाँ उनके चर्चे किसान क्रिकेट लवर अच्छी तरीके से जानते होंगे और खेल गए शॉट फील्डर बॉल के नीचे और यहां पर दो रन की कोलकाता हो सकता है मगर आसानी से 2 रन पूरा किया इसी दो के साथ टीम का स्कोर 4 पहुंचा 17 रन है आप किशन एक बार फिर सामना करेंगे अनुज किशन की गेंद का लेफ्ट हैंड बैट्समैन हल्के कदमों से अनुज के लिए और ये आउट यहाँ पर हेड विकेट हो चुके हैं हेलो अगली गेंद और ये अपील नकार अंपायर ने अंपायर का तिमड़े में सर्वमान्य होगा काफी चिके यहाँ पर किशन की समझ नहीं पाए अनुज जैसा कि एमपीएल अपने साफ छवि के लिए जाना जाता है वैसे ही कुछ थर्ड अंपायर द्वारा निर्णय दिया गया हल्के हल्के कदमों से अगली गेंद अनुज के लिए और गगन चुंबी छक्का जी हाँ इसी छह के साथ टीम स्कोर 4 पहुंचा केसर इसी के साथ दो रन की समाप्ति पे अमित परवीन ने खेल दिया उठा के फील्डर जब तक फील्ड करते एक बना सेंचुरी आया इसी एक के साथ टीम का स्कोर 4 पहुंचा 24 रन 30 ओवर प्रगति पर कोई नुकसान नहीं बिना कोई नुकसान मनोज जी मैं बता दो ये पावर प्ले का लास्ट ओवर है अमित अपने कोटे का दूसरा ओवर टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर आए सामना करके अनुज जो काफी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे हैं लेफ्ट हैंड बैट्समैन अनुज सामना करेंगे अमित की गेंद का अमित हल्के लिए मुझे दौड़ते हुए चाहते थे वेट हुए और ये आउट हल्की से पेड़ पहली सफलता यहाँ पर जीत करते हैं अमित पहला विकेट गिरता है अनुज के रूप में पहुंचे लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्रशांत ये भी काफी लंबे लंबे हिट मारने के लिए जाने जाते हैं प्रशांत काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अमित की पहला विकेट गिर सामना करेंगे किशन की गेंद का अमित की गेंद का चाहते थे वेट हुए यहाँ पर अपील यहाँ पर प्रशांत लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी छोटा बल्लेबाज बन जाते हैं सितारगंज के आपको 4 रन डिसीजन बता दें 4 रन इसी 4 के साथ टीम का स्कोर 4 पहुंचा 28 रन प्रशांत अमित की गेंद का अमित ने एक सफलता चटकाई यहां पर खेलना चाहते थे वेट हुए समझ नहीं पाए गेंद जाने दी कीपर के दस्तानों में निश्चित ही अगर सितारगंज के ये प्लेयर कुछ ओवर खेल जाते हैं तो कुछ पक्ष सितारगंज के पक्ष में ये मैच आना तय है
काफी विस्फोटक अमित देवराय बाजे सामना करके प्रशांत खेलना चाहते थे वेट वे समझ नहीं पाए और इसी के साथ ओवर की समाप्ति 3 ओवर की समाप्ति में टीम का स्कोर 28 रन। जी जी हाँ जरूर देखते रहिए मैच कुछ भी हो सकता है और मैक्सवेल शॉट खेलना चाहते थे बॉल सही से बल्ले में कनेक्ट हुई नहीं स्विफ्ट शॉट खेलना चाहते थे 4 रन के लिए लेकिन नाकामयाब हुए फील्डर मौजूद कोई रन नहीं काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर किशन की सामना करेंगे प्रवीण किशन की गेंद का काफी लंबा रन पर प्रवीण तांबे लगा देते तो ज्यादा बढ़िया लगता मनोज जी खेलना चाहते थे वहां पर खतरा हो सकता था आगे बढ़ के खेलना चाह रहे हैं बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं किसान काफी किफायती बॉलिंग अच्छी वापसी कर रही है यहाँ पर अमित ने और यहाँ पर दूसरा झटका लगता है लगातार ही प्रयास कर रहे थे बड़े शॉट खेलने के लिए बैट्समैन ने अंशु पूरा टीम का पूरा भार प्रशांत के कंधों पे प्रशांत अगर अरे में जीतना है घोटा को तो प्रशांत को 7-8 ओवर तक टिकना पड़ेगा सामना करेंगे अंशु लेफ्ट हैंड बैट्समैन अच्छा सम्मान कोई रन नहीं अच्छी गेंद यॉर्कर लाइन 2 अच्छे ओवर और पूरी तरीके से मैच में बन सकते हैं सितारगंज की टीम बहुत ही अच्छी बॉलिंग बहुत ही अच्छी सोच के साथ अभी तक बॉलिंग करते हुए अंशु उन्होंने लेफ्ट हैंड बैट्समैन काफी छोटे बल्लेबाज माने जाते हैं सामना करेंगे अंशु किशन की गेंद का खेल दिया है फील्डर काफी दूर और जब तक फील्ड करते हैं आसानी से एक रन चुरा ऐसी एक किस्सा टीम का स्कोर जहां पहुंचा 29 रन दो विकेट नुकसान पे चौथा ओवर प्रगति पर निश्चित ही 3 रन बचाए हैं प्रशांत एक बार फिर सामना करेंगे किशन की गेंद का कुछ विस्फोटक पारी खेलनी होगी कुछ विस्फोटक शॉट दिखाने होंगे प्रशांत को अगर मैच में बने रहना है तो हल्की हल्की गेंद हल्के हल्के कदमों से प्रशांत के लिए गेंद सामना करेंगे अंशु खेला जाते थे वहां पर बेकार और फिर काफी तेज 4 रन इसी 4 रन के साथ क्या पहुंचा 39 गेंद कीपर से काफी दूर चतुराई से कलाइयों का प्रयोग करेंगे अंशु अमित की गेंद का थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल खेल जब तक फील्डर फील्ड करते आसानी से क्रेच चुराई से किस्सा टीम का स्कोर जहां पहुंचा 40 रन दो विकेट नुकसान पे 5 ओवर प्रगति पर एक बार फिर से प्रशांत सामना करेंगे अमित की गेंद का काफी विस्फोटक बल्लेबाज माने जाते हैं प्रशांत अगर प्रशांत 10 ओवर तक टिक जाते हैं तो ये मैच घोटा को जिता ले जाएंगे अच्छी बैटिंग अमित अभी तक सामना करके प्रशांत अमित की गेंद का हल्के हल्के कदम से दौड़ते हुए अमित जी हाँ यहाँ पर काफी अच्छी पहले का हो सकता था ड्रॉप हुआ बहुत अच्छी बॉलिंग प्रशांत का विश्वास भूत से खेलते हैं अच्छी बॉलिंग है अभी तक और उतनी ही अच्छी बैटिंग देखने को मिलती हुई हमें बहुत ही सुंदर मैच ये खेलना चाहते थे गेंद जाल की बॉडी पे काफी अच्छी बॉलिंग यहाँ पर अमित की दोनों बच्चा कुछ लगाया है अभी रुका स्कोर 40 रन खेलना चाहते थे प्रगति पर गेंद का खेल दिया एक बार फिर जब तक फील्डर फील्ड करते करना सेंचुराई से किस टीम का स्कोर जहां पहुंचा 41 रन अच्छी बॉलिंग है आचा प्रगति पर अब हो चुके हैं 41 खेल दिया है अच्छी फील्डिंग वहां पर कोई रन नहीं काफी फुर्तीले नजर आते दीपक
और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति में राजदा ने कुटे पहला ओवर टीम के लिए छठा ओवर और ये खेल दिया है। एक बार फील्डर मौजूद नहीं, दीपक गेंद के पीछे तोड़ते हुए आउटफील्ड का तेज और ये निश्चित ही दो रन बचाए यहाँ पर भी टीम के। इसी के साथ टीम का स्कोर 443 रन। पिछली गेंद यहाँ पर राजेंद्र पुखरिया की, अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए छठा ओवर लेकर आए श्याम नगर के प्रशांत। खेल दिया गेंद सीमा रेखा पार छह रन। इसी छह के साथ 50 रन का स्कोर हो चुका है कोटा का। खेलना चाहते थे फीट भी काफी चतुराई भरी गेंद, कुछ खास फायदा नहीं उठा पाया पर प्रशांत फीट हुए जाने दिए कीपर के दस्तानों में। काफी दिमाग से चतुराई से बॉलिंग करा रहे राजेंद्र यादव, राजेंद्र पुखरिया। एक बार फिर सामना करके प्रशांत खेल दिया गेंद इसी बार का बाहर छह रन। इसी छह के साथ दोनों गए दूसरी गोटा का 55 रन स्कोर हो चुका है। छठा ओवर प्रगति पर का पिछले बल्लेबाजी कर रहे हैं और प्रशांत खेल दिया फिर से। जब तक फील्डर फील्ड करते हैं टीम स्कोर जहां पहुंचा 56 रन दो विकेट के नुकसान पे छठा ओवर प्रगति पर। सामना करेंगे अंशु, खेल दिया गेंद में फील्डर गेंद के नीचे और एक कैच ड्रॉप रन आउट हो सकता है, मगर दो रन और सेंचुरी ऐसी दो के साथ टीम का स्कोर जहां पहुंचा। इसी के साथ करेंगे प्रशांत नन्नी की गेंद का काफी लंबा रन अप नन्नी के लिए मुझे दौड़ते हुए सामना करेंगे प्रशांत। डिजाइन गेंद वाइड इसी बैट के साथ टीम स्कोर जा पहुंचा 59 रन सात ओवर प्रगति पर। और ये पहली वाइट आई है, पहला एक्स्ट्रा आया है बिछवा की तरफ से, एक्स्ट्रा दूसरा वाइट पहली आई है। फिल्टर बोर्ड के नीचे और एक और ड्रॉप, जी हाँ दूसरा जीवन दान। इसी के साथ टीम स्कोर जा पहुंचा 60 रन। जी आपने प्रशांत से कैच छोड़ा है जो काफी घातक हो सकता है, काफी तगड़ी बल्लेबाजी कर रहे प्रशांत, विस्फोटक उन्हीं का कैच छोड़ा है पर कैच छोड़ो मैच छोड़ो। सात प्रगति पर सामना करेंगे अंशु नन्नी की गेंद का, नन्नी हल्के लेकर मुझे दौड़ते हुए सामने करेंगे अंशु। खेल दिया और ये आउट, दूसरा विकेट गिरता हुआ घोटा का अंशु के रूप में। बाल प्रसाद के कंधों पे, अब देखते कितना फायदा उठाती पर। काफी रन चाहिए जीतने के लिए, यहाँ पर मात्र 7 रन हुए। यहाँ से भी 100 रन दूर ये मैच जीतने के लिए, कोटा पूरे 100 रन चाहिए। फिर से वेट हुए कोई रन नहीं, सात और प्रगति पर अभी रुका स्कोर 60 रन है। यहां से पूरे 100 रन चाहिए घोटा को जीतने के लिए। तो
साइन गेंद फाइट गेंद इसी बार के साथ टीम स्कोर जा पहुंचा 61 रन है। जी हाँ, एक रन से कुछ नहीं होने वाला है। अगर ये घोटा को मैच जीतना है तो छक्कों की बरसात करनी पड़ेगी, तभी ये मैच जीत पाएंगे, नहीं तो ये मैच पिछले आसानी से जीत सकता है। फील्डर बॉल के नीचे और ये तीसरा गेंद चार के छोड़ दिए यहाँ पर और इसी के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 62 रन है। प्रशांत देखते हैं कितना फायदा पहुंचाते हैं गोटा की टीम को, अपनी टीम को। पूरा भार का प्रशांत के कंधों पे, 62 रन हो चुके हैं। काफी अच्छी वापसी कराई यहाँ पर नन्नी ने, विकेट झटकाया, रनों पर अंकुश लगाया, सामना करके प्रशांत नन्नी की गेंद का खेल दिया गेंद हवा में, सीमारे का पार कर। इसी छह के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 67 रन। खेल दिया है यहाँ पर जब तो फील्डर फील्ड कर देख रहा है, एक के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 69 रन। अब सामना करेंगे प्रशांत, सामना करेंगे प्रशांत, खेल दिया है पिछले गेंद सीमा रेखा पार 6 रन। इसी छह से टीम का स्कोर जा पहुंचा 75 रन। एक बार फिर से मन्नी गेंद का काफी अघोटा में जीतना है तो ज्यादा ज्यादा स्ट्राइक पे प्रशांत को रखना होगा। मन्नी हल्के दूर से सामना करके प्रशांत खेल दिया है फिर से गोल छक्का। इसी छक्के के साथ बस छक्का 81 रन। एक बार फिर सामना करके प्रशांत मन्नी गेंद का चौथा झटका लगता हुआ यहाँ पर गोटा को। जी हाँ, राहुल के रूप में 81 रन पे चौथा झटका लगता हुआ। अब यहाँ पर जा रहे सुनील, बॉलिंग का पिछे गई थी बल्लेबाज में क्या जादू करते हैं सुनील। राहुल पके पीछे गेंद सीमा रेखा पर 6 रन। इसी छह के साथ 87 रन। कोई गाना देवा मन्नी फिर से सामना करके प्रशांत खेल दिया यहाँ पर अच्छी विकेट हो सकता है मना के प्रशांत ने और यहाँ पर फिर से सुनील आउट। जी हाँ, तालमेल नहीं बैठ पा रहा है इनमें और यहाँ पर पांचवा झटका लगता हुआ बिना गेंद के आउट यहाँ पर सुनील। यहाँ पर मना किया था प्रशांत ने, सुनील काफी दूर निकल चुके थे बिना गेंद खेले आउट हुए। सुनील बैट्समैन ने मेरा नाम बता दे, खिलाड़िया बिठा दे कमेटी। यहाँ पर खेल दिया ऊपर से जब तक फील्डर पहुंचते पिछली फील्डिंग यहाँ पर खतरा हो सकता है मगर मना किया प्रशांत ने। एक रन से तरह एक के साथ टीम स्कोर जा पहुंचा 88 रन। नौ ओवर प्रगति पर विशाल सामना करें प्रशांत वेट हुए इस टूर्नामेंट में सामना करें प्रशांत खेल दिया गया था और ड्रॉप जी दूसरा।
दूसरी राजीव रंधान मिला प्रसाद को। दीपक काफी लेट पहुंचा था तो बॉल गिर चुकी थी, काफी चपरियास रहा दीपक का यहाँ पर। दूसरा जीवन दान यहाँ पर प्रशांत को, काफी चिकेन यहाँ पर विशाल की, काफी रनों की दरकार यहाँ से। खेल दिया है जी और छह रन। यहाँ पर 14 रन लग चुके हैं गोटा के विशाल सामना करेंगे प्रशांत विशाल की गेंद का। खेलना चाहते थे तो यहाँ पर बहुत अपील अच्छी कीपिंग, कोई रन नहीं। अर्पित का स्कोर 94 रन है। अपने शतक से 100 रन दूर बासी के साथ लेकर आए। सामना करेंगे आदर्श नंदी की गेंद का, वेट हुए यहाँ पर प्रसाद स्ट्राइक बैठ रहा है। घोटा बोरी में जीतना होगा तो 10 और प्रगति पर 17 गेंदों पर 60 रन चाहिए। 17 गेंदों पर 60 रन काफी मुश्किल भरा ये मैच है। अगर घोटा बोरी में जीतता है तो प्रसाद स्ट्राइक भी रखना होगा। अगर मैं जीतता तो प्रसाद को स्टैक में रखना होगा, नहीं तो घोटा अपने टिकट कटा ले। 16 गेंदों में 60 रन की दरकार। खेल दिया यहाँ पर एक रन के साथ दिवस को जा पहुंचा 101 रन। काफी देर बाद सिंगल लिया 15 पे 59। नन्नी का अच्छी अच्छी वापसी कराई, अच्छी बॉलिंग एवं अभी प्रसाद नन्नी की गेंद का सामना करेंगे। अभी भी जीत के लिए 59 रन दूर घोटा। खेलना चाहते थे वेट हुए 14 पे 59। यहाँ पर मुकाबला काफी प्रेशर आता है प्रसाद पे 14 पे 59। खेल दिया गेंद दबाव में फील्डर और ये आउट। यहाँ पर अब प्रसाद यहाँ पर अपने खेल क्षेत्र करेंगे नन्नी की गेंद का, काफी अच्छी वापसी कराई नन्नी ने। यहाँ खेल दिया वीरा ने बड़े लाल पर 4 रन से ज्यादा बोला, इसी चार सौ टीम स्कोर चला पहुंचा। लीडर बोर्ड के नीचे और तीसरा के छोड़ दिया मंदी ने। इसी दलजी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार और ये मेरा चल रही है। सामना करेंगे विनोद 11 रन लेकर आए। सामना करेंगे विनोद दबाव है फील्डर बॉल के नीचे लगातार 4 कैच गिरा चुका विनोद का। विनोद इसी साथ 107 रन। पहुंच नहीं पाए मन्नी, थोड़े से पीछे रह गए। इसी के साथ टीम का स्कोर 108 रन है।
खेल दिया है एक बार फिर से दीपक तोड़ते काफी फुर्तीले फील्डर, क्या बॉल को रोक पाएंगे? जी नहीं, चार रन। इसी के साथ टेबल स्कोर 4-5 112 रन। कोटे का पहला ओवर टीम के लिए 12 ओवर लेकर आए, सामना करेंगे। खेल दिया खेलना चाहते थे वेट वे का बच्ची बोलेंगे यहाँ पर राहुल की यहाँ पर कैप्टन वापसी करी है पिछवाने डिजाइन गेंद हो सकती थी मगर टच हुई कपड़े में, लग रहा है पिसोटा है देख, काफी अच्छा पर्सन यहाँ पर प्रशांत के बल्ले से देखने को मिला। बिछौने में जीत दिया है 113 रन पे।